अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं अंबर वकास हुकूक विद अंबर में आप सबको कहती हूं शामदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से और बिल्कुल ठीक होंगे। आज की रेसिपी सबकी फेवरेट, बहुत ही मजेदार। आज हम आपके लिए बनाएंगे बिरयानी। बिरयानी तो आपने बहुत किस्म की खाई होगी, लेकिन आज हम आपके साथ एक मुनफरद रेसिपी शेयर करेंगे फिश बिरयानी की। बहुत ही आसान तरीके से बनाऊंगी, प्लीज इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल कुक विद अंबर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके बिल्कुल टाइम पर। चलिए चलते हैं किचन की जानिब और आपको बताते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स और इसकी डिटेल रेसिपी। जी तो व्यूअर्स, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से करते हैं शुरू। सबसे पहले हम फिश बिरयानी बनाने के लिए बनाएंगे बिरयानी का मसाला। यहाँ पर मौजूद है मेरे पास एक पैन, जी तो इसमें अब हम शामिल करेंगे 3 अदद प्याज। मैंने 3 लार्ज प्याज लिए हैं, जिसको मैंने इस तरह से रिंग्स में बारीक बारीक काट लिया है। पैन में शामिल करते हैं, जी तो इसमें अब हम शामिल करते हैं कुकिंग ऑयल तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून। उसको अब हम हल्का सा मिक्स करेंगे, जी तो अब हम इसको हल्का सुनहरा होने तक फ्राई करते हैं। जी दिवेर से देखिए प्याज हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया है, अब हम इसको इससे ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। जी तो यहाँ पर मौजूद है मेरे पास 2 टेबल स्पून ऑफ गार्लिक का पेस्ट एंड 2 टेबल स्पून ऑफ जिंजर का पेस्ट, ये शामिल करते हैं। हल्का सा इसको प्याज में मिक्स करते हैं ताकि ये अच्छा सा ब्राउन हो जाए। जी तो जैसे ही अदरक लहसुन की खुशबू आने लगेगी, इसमें हम शामिल करेंगे 3 अदद टमाटर, जिसको मैंने चॉप किया है। ग्रीन चिली पेस्ट 3 टेबल स्पून। अच्छे से इन सब मसालों को मिक्स करते हैं। जी यहाँ पर मौजूद है मेरे पास दही 3 टेबल स्पून। याद रहे कि इसमें टेट्रा पैक का हम दही इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। जी तो अब इसमें कुछ हम मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मौजूद है हमारे पास 1 टीस्पून ऑफ पिंक सॉल्ट, 1 टीस्पून ऑफ ब्लैक क्यूमिन सीड यानी कि काला शाहजीरा, 1/2 टीस्पून ऑफ हल्दी, 1 टीस्पून ऑफ लाल मिर्ची का पाउडर, 1/4 टीस्पून ऑफ गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून ऑफ क्रश सूखा धनिया। अब हम इन तमाम मसालों को मिक्स करते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप ऑफ वाटर, ताकि ग्रेवी जो है वो अच्छी सी बन जाए। इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। जी तो अब हम इसको कवर करेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि टमाटर अच्छी तरह से मिशी हो जाए और हमारा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। जी तो व्यूअर्स, 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं। ये देखिए ऑयल सरफेस पे आ चुका है और टमाटर भी नरम हो गए हैं। थोड़ा सा इसमें पानी मौजूद है, यानी मसाला बिल्कुल से ड्राई नहीं है। जी तो व्यूअर्स, अब हम इसमें ऐड करेंगे फिश। यहाँ पर मौजूद है मेरे पास फिश के, इस तरह से मैंने फिले बना लिए हैं। आप बोनलेस फिश भी ले सकते हैं। फिश में कांटा मौजूद है, जो एक सिंगल कांटा मिडल में होता है। अब हम फिश के फिले इस तरह से मसाले की टॉपिंग में ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक टिप देती चलूँ कि हमारे पास जो पैन होगा स्पेशली फिश का मसाला कुक करने के लिए, वो इस तरह से हम खुला वाला लेंगे। हम कोई भी तंग वाला पैन यूज नहीं करेंगे, ये जो फिश है वो टूटे नहीं। अब हम फिश को सिर्फ 2 मिनट के लिए कवर करेंगे। जी नाजरीन, हमारे पास बिरयानी मसाला बनाने के लिए जो चीज़ें हैं वो है 1.5 चम्मच जीरा, 2 से 3 दालचीनी की स्टिक्स, जायफल, जावित्री, 1/2 फूल बादियान का, 2 से 3 सब्ज़ इलायची, 1 हमारे पास है बड़ी काली इलायची, 3 से 4 काली मिर्ची, भुना हुआ और कुटा हुआ क्रश्ड सूखा धनिया, चिली फ्लेक्स। इन सब चीज़ों का हम लोग पाउडर बनाएंगे और बिरयानी के मसाले में इस्तेमाल करेंगे। जी तो 2 मिनट गुजर चुकी हैं। अब हम फिश को बहुत आराम से टर्न करेंगे।
याद रहे कि फिश टूटनी नहीं चाहिए और फिश को हम ओवर कुक भी नहीं करेंगे, सही है जी। जब हम इसमें ऐड करेंगे बिरयानी मसाला जो हमने आपके सामने बनाया था 2 टेबल स्पून, फ्लेम को थोड़ा सा हाई करते हैं। जी तो व्यूअर्स, अब हम चूल्हा बंद करेंगे और ये जो फिश के फिलेज हैं वो हम एक ट्रे में निकाल लेंगे। जी तो व्यूअर्स, ये देखिए मैंने फिश को इस तरह से प्लेटर में निकाल लिया है ताकि फिश जो है वो दम के वक्त टूट ना जाए। और यहाँ पर मौजूद है हमारे पास मसाला जो कि हमने रेडी किया है। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पर मौजूद है मेरे पास तकरीबन 1.5 किलो के करीब चावल जिसको मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए पानी में भिगोया था और मैंने इसको 80% जो है वो बॉईल कर लिया है। अब हम फिश बिरयानी की तह लगाते हैं। जी तो व्यूअर्स, हमने बॉइल्ड चावल और जो फिश का मसाला बनाया था उसकी हमने 3 से 4 तह लगाई है और टॉप पे हमारे चावल हैं एंड बॉटम पे हमारा मसाला है ताकि चावल या बिरयानी जो है वो स्टिक ना हो। येलो फूड कलर जिसको मैंने 1/4 टीस्पून येलो फूड कलर को पानी में डाइल्यूट किया है। तो मेरे पास यहाँ पर मौजूद है फ्राइड अनियन 2 से 3 टेबल स्पून, ये ऑप्शनल है, अगर आप शामिल करना चाहें तो आप कर लें। तब हम शामिल करेंगे इसकी टॉपिंग पे ये फिश फिलेट्स। जी तो इसकी टॉपिंग भी अब हम ऐड करेंगे सब्ज मिर्ची और हरा धनिया। तब हम इसको दम पे लगाएंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे और फिर हम आपके सामने हाजिर होते हैं और आपको दिखाते हैं कि फिश बिरयानी कैसी लग रही है। जी तो व्यूअर्स, तकरीबन 15 से 20 मिनट हमने बिरयानी को दम लगाया है, अब हम चेक करते हैं कि बिरयानी कैसी लग रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो यहाँ पे मैं आपको एक टिप देती चलूँ कि जब भी आप फिश के साथ बिरयानी बनाएंगे तो याद रखिए कि हम फिश को मसाले में ऐड करने के बाद हिलाएंगे नहीं। जिस तरह से हम चिकन को हिलाते हैं हम उस तरह से फिश को नहीं हिला सकते क्योंकि फिर फिश जो है वो टूट जाएगी और फिर इस तरह से इसकी शक्ल जो है वो प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं आएगी। इसी तरह जब हम दम लगाएंगे तो दम आने के बाद हम जो फिश की सब फिलेज हैं एक प्लेटर में निकालेंगे। बेस में जो मौजूद है इसके मसाला राइस हम उसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी टॉपिंग पे ये फिश फिलेज रखेंगे और फिर हम फिश बिरयानी को सर्व करेंगे। प्लेटर में डिश आउट करते हैं। जी तो व्यूअर्स, आई होप आपको फिश बिरयानी की रेसिपी अच्छी लगी होगी। प्लीज इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल कुक विद अंबर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और ये रेसिपीज कीजिए अपने प्यारों के साथ शेयर। की ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, प्लीज इसको ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना और अपने प्यारों का रखिए ख्याल। मेरी तरफ से अलविदा।